मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर हैप्पी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थर्ड सी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, वेरीफाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होल नंबर्स कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट ए। यानी फर्स्ट एलिमेंट ए यानी फर्स्ट नंबर ए की वैल्यू एंड सेकेंड नंबर एलिमेंट बी। ए और बी की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी गई होगी और प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है फिर ये क्या है। तो मैंने कल के वीडियो में आपको भेजा था कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है इसने फोर टू एनी होल नंबर्स, कोई भी दो संख्या होती है, फोर टू एनी होल नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो संख्या होती है तो अपन एडिशन जो होता है उसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अपन ने देखा था कि ए और बी एलिमेंट ए और बी का एडिशन करते हैं तो ए प्लस बी या बी प्लस ए तो गेट ए होल नंबर। तो इससे उसकी वैल्यू के ऊपर यानी आंसर जो अपने को प्राप्त होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो होल नंबर्स है इसमें ए एंड बी जो एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट जो है इसमें ए और बी जो दो एलिमेंट है ए में से बी को माइनस करेंगे तो आपको एक होल नंबर प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा, जब आपका ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा ग्रेटर और बी एलिमेंट आपका क्या होगा स्मॉल होगा, तो ही आपको जो प्राप्त होने वाली जो संख्या है क्या होगी एक होल नंबर होगी। सेकंड सिचुएशन ये आता है कि ए इज स्मॉलर देन बी, जब ए क्या हो छोटा हो किससे बी से तो इज नॉट ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 5 माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 5 माइनस 2 माइनस करोगे गेट होगा 3। 3 क्या है ए होल नंबर, ए होल नंबर, लेकिन 2 माइनस 5 यदि आप करते हो तो आंसर क्या प्राप्त होगा माइनस का 3। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या नहीं होंगे होल नंबर। तो यहां लिखा लिखना होगा आपको इज नॉट ए होल नंबर। अब बात आती है इज नॉट, तो आपका एक ये साइन होता है इक्वल, तो दोनों यानी कि दोनों आपने प्रोडक्ट लिए यानी कि एलिमेंट ए और बी उन दोनों का यदि सब्ट्रैक्ट करते हो आपको एक होल नंबर गेट होता है, तब तो क्या होता है बैलेंस ही होता है इक्वल होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है तो आपको क्या लगाना होगा इज नॉट इक्वल। तो ये साइन जो है इसका मतलब होता है मींस इज नॉट इक्वल, ई क्यू यू ए एल। ओके, तो ये साइन किसका है इज नॉट इक्वल। ओके, तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वेरीफाई प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज थर्ड सी है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई प्रॉपर्टी फर्स्ट है, अपन को देखना है कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन होगा तो इट इज ए पॉसिबल ए होल नंबर, और यदि फर्स्ट नंबर क्या होगा स्मॉलर होगा तो इज नॉट ए पॉसिबल। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड सी का, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फर्स्ट एलिमेंट, 15 क्या होगा आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट नंबर, और ये क्या है 64 सेकंड एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया कि 15 माइनस 64 यदि आप करते हो तो क्या एक होल नंबर प्राप्त होगा नहीं होगा, तो इट इज नॉट ए पॉसिबल। तो आपको क्या होगा 15 माइनस 64, आपको पता है 15 स्मॉल नंबर से 64 लार्जर नंबर से, 15 में से 64 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको पता है ये क्या होगा इज, तो इसका मतलब क्या हुआ ये पॉसिबल है तो इज पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो इज नॉट ए होल नंबर, जब इसमें से इसको माइनस करना पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या प्राप्त नहीं होगा ए होल नंबर। ओके, अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है स्मॉल है,
फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 137, सेकंड एलिमेंट 293, तो 137 इज स्मॉलर देन 293, तो इज 137 माइनस 293 इज नॉट पॉसिबल, सो इज नॉट ए होल नंबर। ओके, इसी तरह से आपको लिखना है, यदि फर्स्ट एलिमेंट आपका स्मॉलर देन है तो नॉट पॉसिबल होगा, और फर्स्ट नंबर आपका लार्जर देन है, सेकंड एलिमेंट आपका स्मॉलर देन है, तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर सकते हो, और माइनस करते हो तो इज इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल, फिर 56,397 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 47,309। अब अपने को देखना है कि फर्स्ट नंबर क्या है, इज ग्रेटर देन, तो ए इज ग्रेटर देन बी, इट मीन्स ए माइनस बी इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्योंकि बड़ी से पहली फर्स्ट नंबर या पहली संख्या जो है वो क्या है, बड़ी है। तो देखो 56,397 माइनस 47,309, इसमें जिसको माइनस करना है, तो देखो 56,397 47,309, वन इससे बोल रहे होगे 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 17 8, 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8, 8 में 0 माइनस करोगे 8, 3 में 3 0, 6 में 7 माइनस नहीं होगा, वन बोल रहे होगे 16 4, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, 16 में से 7 माइनस होगा 9, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, तो 9 0 8 8 आंसर। ओके, तो इट इज पॉसिबल, तो इट इज ए होल नंबर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ ए एंड बी आर एनी टू अनइक्वल, ए एंड बी आर एनी टू अनइक्वल होल नंबर्स, देन आइदर ए माइनस बी, कोई भी दो संख्या यदि अपने को दे रखी है, ए माइनस बी इज ए होल नंबर और बी माइनस ए इज ए होल नंबर, कहने कहने का मतलब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले मैंने बताया था, बी यहाँ देखो कि 7 में से 4 माइनस करते हो आप तो क्या होगा, प्लस का 3, और यदि 4 में से माइनस का 7 करते हो तो माइनस का 3, क्या प्लस की 3 यानी पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 दोनों क्या है, इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इज नॉट इक्वल। बस अपने को ये लिखना है इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बेटा कि होल नंबर्स होते हैं एक संख्या में से, यानी कि कोई भी संख्या है यदि उसका आप ऑर्डर चेंज करते हो, ए में से बी को माइनस करते हो या बी में से माइनस ए करते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो इक्वल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ लिखते हैं इज नॉट ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इसका 357, तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका सेकंड एलिमेंट, यानी कि ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। अब देखना है 357 माइनस करो 220 इज नॉट इक्वल 220 माइनस 357, और यहां लिखना है इज नॉट ए होल नंबर करके देखो। आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो 7 में से 0 को माइनस करोगे तो 7, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 3 में से 2 माइनस करोगे 1,
अभी तो देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन जो आंसर होगा वो किसका होगा, माइनस का 137, जो इसके इक्वल नहीं होगा। ओके इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 599 माइनस 6000। अब अपने को देखना है इस क्वेश्चन को कि 599 माइनस 6000, तो ये आपका होगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 599 माइनस 6000, और इधर होगा 6000 माइनस का 599, तो ये इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, यानी कि ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकती है, इक्वल ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी, फॉर एग्जाम्पल 15 माइनस 7 ब्रैकेट 7 माइनस 4 ब्रैकेट 15 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज -4। अब देखना है कि 15 माइनस 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3। अब देखना है अपने को कि 15 माइनस 3 इक्वल 12, 15 में 7 माइनस करोगे 8 -4, 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करने से 4, तो यहां जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना है बेटा 12 है, और वहां कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो अब अपने को देखना है कि यहां इसका आंसर 12 है, इसका आंसर माइनस है, क्वेश्चन वही है, किया क्या अपना जो करने का तरीका था वेज था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, कि इसमें क्या किया कि सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को पहले सॉल्यूशन किया, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, और यहाँ फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है वो ब्रैकेट में है, तो उनका पहले अपन ने सॉल्यूशन किया, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका आंसर 12 हो रही है। अब अपने को देखना है ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं होता है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा तो अपने को यहाँ क्या लगाना होगा, इज नॉट इक्वल, तो यहां लिखना होगा कि 15 माइनस का 7 -4 इज नॉट इक्वल 15 माइनस 7 -4। ओके 25 माइनस ब्रैकेट 12 -7, तो देखो 25 सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करोगे, -12 -7 कितना होगा 5, 25 में से 5 माइनस करोगे 20। अब यहाँ देखना है 25 माइनस 12 है तो कितना होगा 13 -7, 13 में 7 माइनस करोगे 6 है, तो यहाँ आपका आंसर 20 हो रहा है, उधर 6 हो रहा है, तो क्या ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा, 25 माइनस 12 -7 इज नॉट इक्वल 25 माइनस 12 -7। 4792 माइनस ब्रैकेट 1101 माइनस 373। अपने को क्या करना है, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है, तो 4792 माइनस 1101 माइनस 373। अब इससे बोरो करना है, अपने बोरो लेंगे, इसके पास ही कुछ नहीं है तो ये इसे लेगा, इसे लेगा तो यहाँ तो 0, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 1 इसको बोरो करोगे तो 11, यहाँ कितना हो गया 9, 11 में से 3 माइनस करोगे 7 या 8, 8, 9 में 7 माइनस करोगे 2, 10, 10 में 7 माइनस करोगे 3, 728, 4792, 4792 माइनस करना है 728, वन से बोरो लेंगे 12, 12 में से 8 माइनस करना है 4, यहाँ कितना बचा रिमेंड 8, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 7 में 7 माइनस करोगे 0, 4, तो 4064। देन सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड 4792 -1101, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 9, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 4 में से 1 माइनस करोगे 3,
3691 माइनस 373 माइनस 373, 1 इससे बोरो लोगे 11, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8, यहाँ 8, 8 में 7 माइनस करोगे 1, 6 में 3 माइनस करोगे 3, 3, 3 3 1 8। अब अपने को देखना है बेटा कि 4064 देन आफ्टर 3318, तो क्या ये इक्वल है केस के? नहीं है, तो आपको लिखना होगा कि 4792 यानी 4792 माइनस 1101 माइनस 373 इज नॉट इक्वल 4792 माइनस 1101 माइनस 373। इट्स ओके, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय द कोरिस्पोंडिंग एडिशन यूज प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है बेटा? 5 प्लस 7 इसका यदि ऐड करते हैं, तो अब देखो 5 प्लस 7 तो ये तो क्या हुआ, ऐड हुआ, तो यहां लिखना है एडिशन फैक्ट। लेकिन अब देखना 12 में से कितना माइनस करोगे आप, 12 में से 5 माइनस करो कितना आ गया 7, तो ये कौन सा हो गया, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट फैक्ट। ऐसे ही 12 में से यदि आप 7 माइनस करते हो तो भी क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट फैक्ट। ओके, उसको कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एडिशन। अब देखते हैं इसी का एग्जांपल, देखते हैं 343 माइनस 99। अब अपने को देखना है कि 343 माइनस करना है 99, तो देखना है 3 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 1 इससे बोरो लोगे 13, यहाँ 3, 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4, 3 में से 9 माइनस नहीं होता 1 इससे बोरो लोगे 13, यहाँ 2, 13 में से 9 माइनस करोगे 4, 2, 244। तो अब अपने को पता है कि 343 माइनस 99 और आपका जो आंसर होगा वो 244 होगा। तो अब इस सिचुएशन में आपने क्या किया, सबट्रैक्ट किया या एडिशन किया, तो क्या आ जाएगा, सबट्रैक्ट। तो यहां लिखना होगा सबट्रैक्ट फैक्ट। अब उसके बाद में देखते हैं कि इन दोनों का ऐड करते हो आप, इसका इन दोनों का ऐड करते हो तो ये संख्या वापस आ जाएगी, तो यहां लिखना है आप 9 9 प्लस 244, तो आपका आंसर वापस कितना आ जाएगा 343। इसमें वापस क्या हुआ, एडिशन फैक्ट। अब देखना इसमें, इसमें से इसको माइनस करने से, अब यहां ध्यान देना अपने को कि 343 में से यदि आप 244 माइनस करते हो, 343 में से माइनस करते हो 244, तो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 99। इसमें क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट फैक्ट। आ रहा है तो समझ में कि आपने इसमें से माइनस किया लेकिन इन दोनों का ऐड करते हो तो ये संख्या आती है, इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपके सामने ये संख्या आती है। ओके, 9,74,029 माइनस 45,200, तो 9,74,029 इसमें से माइनस करना अपने को 45,200 माइनस 9,21 इससे बोरो लोगे 10, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ से 1 बोरो लोगे 13, यहाँ कितना 6, 13 में से 5 माइनस करोगे 8, 6 में 4 माइनस करोगे 2 और 9। अब देखना अपने को कि 9,28,829, अब अपने को देखना है कि 9,74,029 माइनस 45,200, इसको माइनस करने से 9,28,892। तो आपको पता है क्या करना पड़ रहा है अपने को,
माइनस करना पड़ रहा है, तो इसी के नीचे अपने को लिखना होगा या इसी के आगे लिखना होगा, सबट्रैक्ट फैक्ट। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ, सबट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं। अब इसी में देखो, माइनस करने के बाद में इसमें से इसको माइनस करने से ही आ गया, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से क्या जाएगा, ये वाली फर्स्ट नंबर आ जाएंगे। तो 9 4 5 200 प्लस 9 2 8 8 2 9, इन दोनों का ऐड करने से आपको वो फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त होगा। तो 9 7 4 0 2 9, यहां आपने क्या किया, ऐड, तो एडिशन फैक्ट। नेक्स्ट आपके इन दोनों को माइनस करने से, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करने से आपका आंसर एक होल नंबर प्राप्त हुआ, इन दोनों का ऐड करने से ये प्राप्त हुआ। अब आप ध्यान दो कि फर्स्ट एलिमेंट में से आपका होल नंबर इसको माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेकंड एलिमेंट। 9 7 4 0 2 9 माइनस 9 2 8 8 2 9 इक्वल टू 4 5 2 0 0, ये कौन सा फैक्ट हुआ आपका, सब्ट्रैक्ट फैक्ट, कौन सा हुआ, सब्ट्रैक्ट फैक्ट। नहीं है समझ में भाई, इसमें से आपने फर्स्ट एलिमेंट में से होल नंबर को माइनस किया यानी आंसर वाले को, तो आपको सेकंड एलिमेंट क्या होगा, गेट होगा, जो क्या होगा, एक होल नंबर होगा जो सब्ट्रैक्ट करने पे प्राप्त होगा आपको।